नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। और शहर में घटित कुछ विशेष खबरों के साथ आपको बता दें कि आज हम आपको बताएंगे कि एसएसपी कुलदीप सिंह चहल ने मोर्चा संभाला है, सुरक्षा का जायजा लिया, पंजाब में प्रवेश के लिए क्या निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री पंजाब ने, यह भी हम आपको बताएंगे। और कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने क्या कहा पार्टी छोड़ने को लेकर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप सिंह चहल ने मोर्चा संभाला है, सुरक्षा का जायजा लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री को धमकियां मिली कि वह तिरंगा ना फहराएं, घर में रहें। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस हाई अलर्ट पर थी, सुरक्षा में कोई कोताही ना हो इसको लेकर एसएसपी कुलदीप सिंह चहल ने सेक्टर 17 का, जहां पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित होना है, वहां का दौरा किया और सुरक्षा के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और इस दिन तिरंगा ना लहराने को लेकर हिमाचल प्रदेश के सीएम, हरियाणा के सीएम को धमकी दी गई कि वह झंडा फहराने घर से बाहर ना निकले। जब ऐसी धमकी मुख्यमंत्रियों को मिली तो इसके बाद चंडीगढ़ की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। चंडीगढ़ की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ चंडीगढ़ पुलिस को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया। सेक्टर 17 परेड ग्राउंड के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। अब यहां पर जो प्रोग्राम होगा वह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। पूरी सुरक्षा का जायजा एसएसपी कुलदीप सिंह चहल ने खुद लिया, खुद मौके पर पहुंचे और बारीकी से इस क्षेत्र का गहनता से जांच की गई, दिशा निर्देश जारी किए गए, क्योंकि इस बार कोई भी कमी पुलिस नहीं छोड़ना चाहेगी। पुलिस द्वारा यहां पर रिजर्व फोर्स को नियुक्त किया गया है, तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही चंडीगढ़ में तलाशी अभियान भी शुरू किया गया है। एसएसपी ने कहा कि उनकी ओर से शहर के सभी होटल्स, पीजी व बसों की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा कुछ दिन पहले से ही सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में सुरक्षा तैनात कर दी गई थी ताकि कोई भी शरारती तत्व यहां ना घुस सके। इसके अलावा अगर कोई भी शरारती तत्व यहां दिखाई देता है उसे ना सिर्फ हिरासत में लिया जाएगा बल्कि तुरंत कार्रवाई भी होगी। उनकी ओर से सुरक्षा के सभी इंतजाम को पुख्ता किया गया है और कोई कमी नहीं रखी गई है। एसएसपी ने कहा कि 15 अगस्त वाले दिन जो रूट्स बंद किए गए हैं उनके बारे में पहले से ही बता दिया गया है ताकि उस दौरान कोई शख्स जाम में ना फंसे। एसएसपी ने कहा कि 15 अगस्त वाले दिन जो रूट्स बंद किए गए हैं उनके बारे में पहले ही बता दिया जाएगा ताकि उस दौरान कोई भी शख्स जाम में ना फंस सके। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, हमारी जो लगातार पेट्रोलिंग पार्टी है काम कर रही है। उसके अलावा हमारा जो नाइट चेकिंग है और हमारा जो मॉक ड्रिल है वो भी हमारी जो टीम है वो प्रॉपरली रूप से है, तो हम किसी भी मतलब उसमें चैलेंज के लिए हमारी पूरी तरह से तैयार। तो जो बॉर्डिंग में जो मीटिंग है अकॉर्डिंग जो सराउंडिंग एरिया में ये हमारी टाइम टू टाइम होती रहती है, मतलब एसएसपी अपने लेवल पे करते हैं एंड एसएचओ एंड डीएसपी अपने लेवल पे। सर कुछ ऐसी भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है जैसे ये चीजों के लिए तो हम पूरी तरह से तैयार हैं एंड हर तरह का मतलब हर तरह से कोर्स को अलर्ट किया जा रहा है, जितने भी सेंसिटिव पॉइंट है उसको सभी को कवर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा यह निर्देश जारी किए गए हैं कि अब पंजाब में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं या पूरे देश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर पंजाब सरकार सतर्क हुई है और ऐसे निर्देश जारी किए हैं कि अब पंजाब में प्रवेश करने से पहले फुली वैक्सीनेट व्यक्ति होना चाहिए या फिर उसके पास नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट होनी चाहिए। सोमवार से पंजाब में आने वाले सभी बाहरी राज्यों के लोगों को अलर्ट रहना होगा और यह अलर्ट होगा पंजाब की सीमा में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना को लेकर बड़ा आदेश दिया है। पंजाब में प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन या फिर नेगेटिव रिपोर्ट कोरोना की होना लाजमी कर दिया गया है, उसके बाद ही पंजाब में एंट्री दी जाएगी। देश भर में 40,000 से ज़्यादा केस कोरोना के नए आए हैं जो कि चिंता का विषय है। यह आहट है तीसरे वेव की, यानी थर्ड वेव आने के लिए यह आहट हो सकती है। इसको लेकर इससे पहले हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल में प्रवेश के लिए यह जरूरी किया था कि या तो आपको वैक्सीनेशन होना हो चाहिए या फिर आपके पास आरटीपीसीट की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके बाद पंजाब सरकार ने भी इसी का संज्ञान लिया है, इसी को मद्देनजर रखते हुए अब
आदेश जारी किए हैं कि पंजाब में प्रवेश करने के लिए आपको फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट हो। यह सख्त आदेश कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने आखिरकार आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसको लेकर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के 35 वर्ष कांग्रेस को दिए, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी उनकी नहीं हो सकी। यहाँ तक कि उन्होंने पार्टी में परिवारवाद का भी अलाप अलापा। उन्होंने कहा कि अभी भी कांग्रेस में परिवारवाद को सर्वोपरि माना जाता है या अपने परिवारजनों को प्रमोट किया जाता है। और जब वह अरविंद केजरीवाल से मिले तो उन्हें साधारणता का एहसास हुआ और इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी में जाने का मन बनाया। पिछले 35 वर्षों से कांग्रेस में रहे और 6 वर्ष तक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके प्रदीप छाबड़ा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आखिर यह क्यों हुआ, कैसे हुआ? शुक्रवार को प्रदीप छाबड़ा दिल्ली पहुंचे, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिले और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। इसको लेकर प्रदीप छाबड़ा से बातचीत की गई तो इस दौरान उनका कहना था कि कांग्रेस में तन मन और धन से काम किया है, कांग्रेस में आम वर्कर की तरह काम किया, लेकिन सुनी नहीं जाती। कांग्रेस में आज भी परिवारवाद है जिसके कारण हर कोई अपने परिवार के सदस्यों को प्रमोट करने में जुटा हुआ है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उनकी सुनी नहीं जा रही थी या आम वर्कर की सुनी नहीं जाती तो आम आदमी पार्टी बगैर किसी परिवारवाद के कार्यकर्ताओं की सुनती है और इस पार्टी में जाना उन्होंने बेहतर समझा। हाईकमान को बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, मैंने राहुल जी को भी लिखी, मैंने सोनिया जी को भी लिखी, मैंने अपने इंचार्ज को भी लिखी, लेकिन वहाँ से कोई ऐसा रिस्पांस मुझे मिला नहीं। यही जरूर मुझे फ़ोन आए कि नहीं, जो आपने जो आपके लोग थोड़े बहुत रह गए हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन कोई भी एडजस्ट नहीं किया गया। जब लिस्ट फाइनल आई तो उससे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिलने वाला नहीं है। दूसरा जो आपने सवाल मेरे से किया कि परिवारवाद वाला जो सवाल है वो बड़ा एक अहम सवाल है। आप देखिए, आज के चंडीगढ़ के राजनेता लगभग जो आज एक्टिवली अपने आप को काम करते हुए कह रहे हैं, सब अपने अपने बच्चों को आगे ला रहे हैं, आम वर्कर का क्या हाल होगा? जो वर्कर हमारे लिए लाठियां खाता है, जो वर्कर हमारे लिए पानी की बौछारे खाता रहा, गिरफ्तारियां देता रहा, अपनी दिहाड़ी छोड़ के कांग्रेस के लिए काम करता रहा, कांग्रेस के लिए दिन रात एक किया, उस वर्कर का क्या हशर और हाल हो रहा है आज के दिन में, इसको देख करके मैं बहुत चिंतित था। तो मैं चाहूँगा कि आज सब लोगों को मैं इन्विटेशन भी देता हूँ इस बात का कि आम आदमी पार्टी में आए, उनको उसी तरह का इज्जत मान सम्मान मिलेगा जैसा मेरी तरफ से कांग्रेस पार्टी में मिलेगा। पिछले काफ़ी दिनों से खींचातान चल रही थी, इसी को लेकर भी प्रदीप छाबड़ा काफ़ी विचारात्मक मूड में थे। उन्होंने 35 साल पार्टी को दिए लेकिन पार्टी उनकी पार्टी नहीं रही, चंद व्यक्तियों की माटी बनकर रहेगी। इसलिए उन्होंने जब मन बनाया और अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे तो वह अरविंद केजरीवाल के साधारण रूप को देखकर कायल हो गए, इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम दिया। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, कई पार्टी वर्कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लेंगे और उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ से जिताया जाए और 5 सालों में आम आदमी पार्टी के मेयर बने, यानी कि नगर निगम में आम आदमी पार्टी का बहुमत हो और 5 सालों तक लगातार मेयर भी आम आदमी पार्टी का ही बने। बिल्कुल, सब लोग मेरे साथ हैं, आएंगे, सबने मेरी वर्किंग देखी है 35 साल की, 20-20, 25-25 साल से लोग जुड़े हुए हैं, वो मेरे काम करने के तरीके से वाकिफ़ हैं और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। मैं सिर्फ बातें नहीं करता या खाली झूठी स्टेटमेंटें देने में विश्वास नहीं रखता, काम करके उसके रिजल्ट देता हूँ। चलो सर, कहीं ना कहीं दुख तो होगा, वो दुख जिस टाइम आपकी बेटी के साथ बड़ी एक बड़ी दुर्घटना हुई, आपकी आंखों में वो आंसू मैंने देखे हैं। मैं PGI आया था आपके पास, लेकिन आपने अपना फर्ज निभाते हुए बेटी के साथ तो लगाव रखा ही, लेकिन पार्टी को भी एकजुट करने में बड़ी मेहनत लगाई उस समय, उसको किस तरह से देखते हैं? आज वही वर्कर आपके खिलाफ इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये अपनी अपनी सोच है,
जिसकी सोच छोटी होगी वो छोटा सोचेगा, जिसकी सोच बड़ी है वो बड़ा सोचेगा। ये मैं 35 साल तक जिस पार्टी की सेवा करता रहा, जहाँ पे अपनी शुरुआत की NSOI से, जवानी से, और आज मैं पार्टी अध्यक्ष तक बना, मेरे ऊपर एक आसान किया जा रहा है कि मैं पता नहीं किसकी वजह से बना। मैंने ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ और लोगों के प्रति वफादारी रखते हुए, मैं हमेशा कहता हूँ एक बात कि मैं चंडीगढ़ के लोगों का, चंडीगढ़ की रिनी का, मिट्टी का जो रिनी हूँ हमेशा, इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अगर कोई व्यक्ति विशेष कहे कि मैंने किसी को कहाँ तक पहुँचाया, तो बहुत लोगों को पहुँचे थे, लेकिन क्या कोई इतना काम कर सका था पार्टी के लिए? इसलिए अगर मुझे कोई जिम्मेवारी दी गई पार्टी की तरफ से, तो मैंने हमेशा उसको कोशिश की अपनी ईमानदारी के साथ निभाने की, और बिना किसी लालच के। और आज क्यों मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी, ये सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरीके से मैंने खुद विलिंगली ये बोला था नवंबर के महीने में पवन बंसल जी को कि आप मुझे पार्टी अध्यक्ष पद से चेंज करवा दीजिए, क्योंकि आप और हमारी अब वो बात नहीं बन रही, और मैं चाहता नहीं हूँ कि हमारे डिफरेंसेस और बढ़े। मैं चाहता हूँ कि मैं इतने साल तक आपके साथ रहा हूँ, मैं आपके साथ रहूँ, लेकिन मुझे चेंज करवा दीजिए। उन्होंने मुझे बदलवा दिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं चेंज हो गया, मेरी से जिम्मेवारियों से मैं मुक्त हुआ, कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, नए चेहरे के साथ लड़ा जाए और मैं उसको कॉपरेट करूँ। लेकिन जिस तरीके का बिहेव, जिस तरीके का बर्ताव मेरे साथ किया गया कि एक फ़ोन करना भी वाजिब नहीं समझता कोई आदमी यहाँ पे कि आपको हटाया गया है, आप मिल के चलो, आप इकट्ठे काम करो। हालांकि हरीश रावत जी हमारे जो इंचार्ज हैं जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया के, वो मेरे घर पे आए, उनके कहने पे मैं वहाँ भी चले गया। वहाँ पे भी देखा होगा आपने कि फेसबुक के ऊपर जब लाइव आ रहा था तो मेरी आवाज़ बंद कर दी गई जब मैंने स्पीच की। मृतक होमगार्ड के परिजनों को, आश्रितों को नौकरी दी जाए, ऐसा वायदा पंजाब सरकार ने किया था, लेकिन यह वायदा पूरा नहीं हुआ। इसी को लेकर होमगार्ड मृतक आश्रितों ने मोहाली में धरना प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका कहना था कि अपने वायदों को सरकार पूरा करे और उन्हें नौकरियां दे, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जो प्राइवेट नौकरी वह लोग कर रहे थे वह भी अब चली गई है, भूखे मरनों की नौबत आ गई है, लेकिन पंजाब सरकार अपना वायदा पूरा नहीं कर रही। मृतक होमगार्ड के आश्रित नौकरी देने की मांग को लेकर मोहाली में 8 दिन से धरने पर बैठे हैं। वहीं पंजाब सरकार से आश्रितों को जल्द से जल्द नौकरी देने की मांग की गई है। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले होमगार्ड के आश्रित मोहाली के फेज 8 दशहरा ग्राउंड में धरने पर बैठे हैं। वहीं शनिवार को शहर में रोष रैली निकाली गई और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। पीड़ितों ने कहा कि पंजाब सरकार जवानों का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। पंजाब सरकार ने वर्ष 2016 में होमगार्ड मृतकों के आश्रितों को नौकरी देने का वायदा किया था, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने को हैं, आश्रितों को नौकरी नहीं मिली। जो प्राइवेट काम करते थे कोरोना के कारण वह भी छूट गए, जिसके चलते घर का गुजारा बसर करना मुश्किल हो गया है। परिवार सदस्य नौकरी के बिना रोटी के लिए भी मोहताज हो चुके हैं। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਡੈਥ? ਸਰ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡੈਥ, ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, 387 ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਡਿਊਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੈਡੀ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਡੈਥ ਜੀ ਸਾਡੀ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਇੱਦਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਬਣੂਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਬਣੂਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹਰ ਕਿਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ,
इस करके असी तां करके कह रहे सानूं जिते नौकरी साड़ी बनती दिता जाए। 2016 दे विच कैप्टन साहब जो साडा पिछला धरना लग्गा सीगा, कैप्टन साहब खुद साडे धरने विच आए सी ते सानूं वादा करके गए सीगे वी साडे केसां नूं जदों साडी सरकार आऊगी तां असीं तुहानूं प्रवानगी देवांगे, पर पंजाब सरकार द्वारा कोई प्रवानगी नहीं दित्ती गई, सिर्फ बस लारे ही दित्ते गए। टोटल केस है किन्ने ने? टोटल जी 387 केस नवे आ ते बाकी पुराने आ, जिन्हां विचों 2007 तों लैके 2018 तक दे केसां नूं प्रवानगी दित्ती गई आ, उहनां विचों 3 बैचां नूं नौकरी ते रख्या गया पर साडा कोई भी हल नहीं कीता गया। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली में विधायक राघव चड्ढा ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से राघव चड्ढा ने मांग की है कि अब वह कांग्रेस पंजाब अध्यक्ष बन चुके हैं तो वह अपना 2017 में जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था उसके वायदों को पूरा करवाएं। पत्र के साथ ही राघव चड्ढा ने चुनावी घोषणा पत्र भी सिद्धू को एक बार फिर भेजा है। आम आदमी में पंजाब मामलों के सह प्रभारी और दिल्ली से विधायक राघव चड्ढा ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को पत्र लिखकर 2017 में कांग्रेस द्वारा किए गए सभी अधूरे चुनावी वादों को तुरंत पूरा करने के लिए मांग की है। उन्होंने पत्र के साथ 2017 में कांग्रेस का 129 पन्नों का चुनावी घोषणा पत्र भी भेजा है और कहा है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है। आप नेता ने नवजोत सिंह सिद्धू को बधाई देते हुए नसीहत भी दी है। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आप विधायक जय सिंह रोडी और प्रवक्ता नील गर्ग की मौजूदगी में राघव चड्ढा ने नवजोत सिंह सिद्धू को संबोधित करते हुए कहा, सीट और सत्ता के लिए लंबी लड़ाई के बाद मेरी जीत की बधाई। आप कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता कर चाहते हैं तो आपको मिल गई, हाईकमान आपके साथ है, आपको कांग्रेस के सभी विधायकों का समर्थन प्राप्त है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विश्वास आपके साथ है, आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के हैं और कांग्रेस सरकार भी है, आपकी है, इसलिए 2017 में कांग्रेस के सभी 129 अधूरे चुनावी वादों को पूरा करना आपकी जिम्मेवारी है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब को एक लंबी सत्ता की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई, सत्ता के लिए संघर्ष में जीत हासिल करने के लिए, विजय की प्राप्ति करने के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़े समय तक अपनी पार्टी के अंदर कुर्सी की लड़ाई लड़ी और वो अंततः इन दी एंड जीते और उन्हें कांग्रेस पार्टी की चेयरमैनी प्रधानगी उन्हें मिली। मैं इस मौके पे सिद्धू साहब को एक चिट्ठी के माध्यम से एक पत्र लिख रहा हूँ, एक लेटर लिख रहा हूँ और इस लेटर में उन्हें याद करा रहा हूँ कि सिद्धू साहब 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने ये 129 पेज का मैनिफेस्टो जारी किया था, 129 पेजेस लॉन्ग मैनिफेस्टो वाज रिलीज्ड बाय द कांग्रेस पार्टी और इस मैनिफेस्टो में जितने भी वादे किए गए थे, प्रॉमिसेस किए गए थे, ये सारे प्रॉमिसेस पंजाब के घर घर तक, पंजाब के एक एक परिवार तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी कांग्रेस ने अपने सबसे बढ़िया भुलारा, बढ़िया स्पीकर, फायरी स्टार कैंपेनर नवजोत सिंह सिद्धू को दी कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब आप कांग्रेस हाई कमांड के, कांग्रेस पार्टी के ये सारे मैनिफेस्टो के प्रॉमिसेस को घर घर पहुंचाओगे। सिद्धू साहब ने बखूबी अपना काम निभाया, घर घर ये सारे वादे पहुंचाए, लेकिन बीते 4.5 साल में इन प्रॉमिसेस में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अब सरकार भी आप हो और कांग्रेस पार्टी भी आप हो, रूलिंग पार्टी भी आप हो, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी आप हो, अब ये सारे के सारे मैनिफेस्टो के वादे, 129 पेज के मैनिफेस्टो के वादे पूरे करने की जिम्मेदारी अब सिद्धू साहब आपकी है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु को बर्खास्त किया जाए और अन्य आरोपियों की सीबीआई से जांच की जाए,
यह मांग शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने की है। उन्होंने कई आरोप भी मंत्री पर लगाए। उन्होंने कहा है कि सरकार ऐसे आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उनकी मांग है कि आरोपियों की गहनता से जांच हो और यह जांच सीबीआई से करवाई जाए। शिरोमणि अकाली दल ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पंजाब भारत भूषण आशु को तत्काल बर्खास्त करने के साथ ही अपने मुख्य सतर्कता आयुक्त सहित मंत्री और विभाग के अधिकारियों के भ्रष्ट कामों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सरदार विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कहा कि भारत भूषण आशु करोड़ों रुपए के घोटाले में लिप्त थे। उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर से गेहूं पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति देने के लिए सीधे तौर पर मंत्री जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि गेहूं राज्य के बाहर से 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लाया गया तथा 1883 रुपए में बेचा गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पनसप के डीएम ने आशु को एक अड़तियों के साथ चैट करने में दोषी पाया था, जो पिछले साल वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि चैट में अधिकारी राहुल गांधी के तत्कालीन पंजाब दौरे की व्यवस्था करने के लिए अड़तियों से कमीशन के साथ साथ पैसे की मांग करते हुए भी देखा गया था। बारों चोना आंदा रहा, 1000 रुपए दे खरीद के इत्थे 1883 रुपए दा बिकदा रहा, सीधे 8-900 रुपया दी कमाई एक बैग पिछे हुंदी रही है। ओ हजारां ही करोड़ रुपया, और ओ इस चैट च भी मेंशन आउंदी है, जदों एक बंदा कंप्लेंट करदा कि जी फलाने शहर च बाहरों ट्रक लगे, कहिंदा तेरा कोई मतलब नहीं है इस काम च दखल देण दा, की पॉइंट। ये अगे अफसर कह रहा क्यों दखल नहीं, क्योंकि आप दस रहे पैसे उत्ते तक जाने। ओही हाल अगे निकल के आया है कि जेडे एक रमकेश कुमार सिंगला जी ने इन्हों लाया की होया है, ये लगे है जी चीफ विजिलेंस कमिश्नर। सब तो इंपॉर्टेंट पोस्ट जे किसी महकमे की कोई होंगी है तो सीबीसी की पोस्ट होंगी है, क्योंकि महकमे की हर करप्शन से उस बंदे ने ध्यान रखना होंगे। आ चलो मैं बाद च पढ़ दूँ एक मैसेज जो मैं पहला कह रहा सी निकल के आ गया, मंडी वाले रेट मैं आपे ही कर लेने, तुसी शैलर वाले तो 1.45 रुपए पर गट्टे नाल 25% बना दे एडवांस दे जो, MD साहब ते मिनिस्टर नू फंड देना है पप्पू दा प्रोग्राम वास्ते, शाम तक दे जो, नहीं तो कारपोरेट करना औखा हो जाना, आपसर ही दसी जाता। अच्छा साड़ी तो यह चैट है नहीं, ये की इनक्वायरी का होया, जीरो मिट्टी पाती, और जे ये इनक्वायरिया तो मिट्टी ना पी तो अच्छ जसदेव सिंह वाला घपला नहीं होंगे सी, मगर दलेरी फट दे गए। और जी गल मैं दस रहा कि ये एक राकेश कुमार सिंगला ने एडे महकमे के माड़ा अफसर इनू गिणिया गया सी, मैं नहीं कहता इन्हों की आप दे महकमे के जेडे उस वेले के सैकटरी सन, प्रिंसीपल सैकटरी आप लिख रहा कि एडा शातिर है ये, आपकी डिमोशन तो बचन के चक्कर से इन्हें प्री मच्योर रिटायरमेंट ले ली। अगले पैरे च लिखता है और कहता जी मैं ये अगला पैरा, सिंस द इंटेंशन ऑफ द कंसर्नड इंपलॉय, पैरा नंबर 4, वॉज एविडेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ हिज रिप्रजेंटेशन, द फाइल वॉज मार्क टू LR लीगल एडवाइस लिम भेजी गई फॉर एग्जामिनेशन एंड रेलिवेंट ओपिनियन, द डिपार्टमेंट रिसीव द लीगल एडवाइस ऑन 4/8/2017। पंजे पैरे च लिखता है द ऑफिशियल्स, देखो बड़ी सख्त लफ्ज लिखता है, द ऑफिशियल्स मैनिफाइड इंटेंट कुड बी सीन फर्दर एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही हैज बीन अवेडिंग इवन द रिसीप्ट ऑफ द चार्जशीट इशूड टू हिम। मतलब कि एडा शातर बंदा है ये चार्जशीट ही नहीं रिसीव कर रहे आपकी, मतलब हर तरीके का हथकंडा अपना रहा कि मैं चार्जशीट ना होना पवे। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट के चुनावों को लेकर सियासत तेज हो गई है। छात्र संगठन पुट्टा और प्रोफेसरों द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन किया गया है। इनका कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव निश्चित हो जाते हैं उसके बाद कोई ना बहाना लगाकर सीनेट चुनावों को टाल दिया जाता है, इसलिए यदि पंजाब यूनिवर्सिटी का कार्यकाज ठीक तरीके से चलाना है तो यह चुनाव होने बहुत आवश्यक है। इसी को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया गया। सीनेट चुनाव को लेकर एक बार फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में सियासत गर्मा गई है।
दरअसल सीनेट चुनाव बीच में ही बंद करवा दिए गए हैं। इसको लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी विभिन्न छात्र संगठनों पुट्टा व प्रोफेसरों द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें वाइस चांसलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस प्रदर्शन में पहुंचे लोगों का कहना था कि सीनेट चुनाव एक साल से नहीं हुए हैं, एक साल बाद कहीं जाकर हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद यह चुनाव शुरू हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर सीनेट चुनाव बीच में ही बंद करवा दिए गए और अभी 18 अगस्त को चुनाव थे। इनका कहना था कि वाइस चांसलर जब चाहती हैं सीनेट के चुनाव को बीच में ही रोक लेती हैं। अभी सीनेट के 15 और सदस्य चुने जाने थे जो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली के थे, लेकिन उन्हें बीच में ही बहाना बनाकर चुनाव रोक दिया गया। वह इसका विरोध करते हैं और यह कहीं नहीं चलेगा। गवर्निंग बॉडी के बगैर कभी भी पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती और गवर्निंग बॉडी के मेंबरों को चुना जाना बेहद जरूरी है। वीसी ने जानबूझ के कैंसिल करे ने, वीसी चाहता नहीं भी कोई इलेक्शन होवे, वीसी चाहता नहीं इतने उन्होंने कोई क्वेश्चन करे। हर एक एग्जैक्टिव वीसी का एग्जैक्टिव है, वो चाहते नहीं भी लैजिस्लेचर लोगों के नुमाइंदे उन्होंने सवाल करना, चाहे उन्होंने पूछना लोगों की समस्या बारे गल करना। वो कहते असी चौधरी बन के रहना, ये आम तौर पर कैबिनेट भी यही कर दिया ने, कैबिनेट फैसले करी जाते, असैम्बली जवाब नहीं देंगे। ये सैनेट असैम्बली है, सिंडीकेट वो कैबिनेट है। ये कहना कैबिनेट भी नहीं होनी चाहिए, सिंडीकेट सेंट वो असैम्बली भी नहीं होनी चाहिए, मैं कल्ले ही होव जन के सीएम ही फैसले लिया, ये गवर्नर रूल टाइप है। सो ये गलत कर जानबूझ के कर पहला इन्होंने 26 अप्रैल में फैकल्टी की चोन रखी हुई थी, क्योंकि मैं वोटर भी हाँ, मैं डीन हाँ मेडिकल फैकल्टी का, हुणी पिछे टर्म खत्म हुई है तो वो मैनू गई हुई सी। 26 तरीक की चोन सी तो 25 तरीक न शाम को मैं ईमेल चली गई कि जो पोस्टपोन होगी। इन्होंने पूछो 26 की उसे हो सी, बंगाल की चोणा हो रही ने, उत्थे इलैक्शन कमीशन कह रहे उसे 26 अप्रैल में कि भी 23 अप्रैल में बल्कि कह रहा भी इन थोड़ा पोस्टपोन कर दो, वो नहीं मनते 23 अप्रैल या 23 मई में पोस्टपोन नहीं कर रहे, वो बूथ भी इकट्ठे नहीं कर रहे, वो तो ये भी नहीं कर रहे भी चल जी अगलिया दो डेटा ने अगे ले आओ, उत्थे कहने ये नहीं होना, उसे कोरोना इन्ना फैलिया। इतने सैनेट की चोन सिंडीकेट की चोन नहीं हो सकती क्योंकि वाइस चांसलर नहीं चाहता। उत्थे उन्होंने असं जित जाएंगे बंगाल ता कराई धक्के नहीं, जो उन्होंने पता होंगे असं हार जाएंगे क्योंकि हिसाब किताब तो यही जी लाने ये तो फिर नहीं करवानी सी उत्थे भी। सो ये जानबूझ के चोन नहीं करा रहे, इन्होंने जिन्या फैकल्टीज़ तो कराई है हूँ पिछे जिन्हें सैगमेंट्स तो वो सारे जी हारे ने, इन्होंने लगे तो गए ये तो चौधर बनना चाहते ने, इतने सारा आर एस एस भर्ती करना चाहते। सो ये गलत कर रहे हैं, ये आर एस एस ने हूँ एक ही बंदा लिया, बंदा काबल हो मैरिट से होया हूँ वो आर एस एस का कि कोई फर्क नहीं पैंता। सवाल है मैरिट के बंदे भर्ती करन का, ये मैरिट से नहीं करना चाहते, ये पिक एंड चूज़ करना चाहते ने, काम कर भी पिक एंड चूज़ करना चाहते ने, जवाबदेह होना नहीं चाहते, इस करके चुनाव नहीं करा रहे, जानबूझ के पोस्टपोन करिया ने और कोर्ट से झूठ बोले। ये गलत है, ऐसा है कि ये इलेक्शन प्रोसेस एक साल से बार बार रुक रहे हैं और अब तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि हम पर विश्वास रखिए, वी विल डू इट, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, और कल ही इसकी हियरिंग थी, तो उनको बताना चाहिए था कि हम नहीं करवा पाएंगे, सो दैट कोर्ट जो है एक लार्जर पिक्चर लेती और उनको कुछ एडवाइस करती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी सेड इट कि कोविड के नाम पर आप इलेक्शन सस्पेंड नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने ये गाइडलाइंस दे रखी है तो डिफरेंट स्टेट्स को हाई कोर्ट कह सकती थी अपने तरीके से कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक साल से गवर्निंग बॉडी नहीं होने के कारण पंजाब यूनिवर्सिटी की सारी वर्किंग रुकी हुई है, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत है। और अगर ऐसी बात इनकी मंशा थी तो इस दे शुड हैव सेड इन द कोर्ट कि इलेक्शन जो थे वो 18 को होने थे, उसमें कुछ बातें ऐसी थी कि जो बूथ है जहाँ पर जिसे बूथ वो जहाँ पर इलेक्शन होना है उनमें से कुछ एक बूथ में से ये यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्मेशन आई थी कि ड्यू टू उनका वर्किंग डे है जहाँ वहाँ पर उनको दिखते हैं तो नहीं हो सकता, तो उसके लिए एक समाधान ये था कि उन बूथ पे दोबारा इलेक्शन हो सकता था, वो जहाँ पर इलेक्शन हो रही थी उसको साथ में ही 18 को ही कराया जा सकता था, ताकि विद्यार्थियों में सेंटर्स में टीचर्स में ये बात का नहीं दबद रहता कि इलेक्शन होने नहीं है। अब इसको लगा एकदम फिर बंद कर दिया गया प्रोसेस को कि आगे ली डेट दी जाए, जहाँ तो ऐसा होता कि तुरंत इसके साथ ही डेट दी जाई जाती, अब फिर अनसर्टेंटी आ गई है, तो बड़ी मुश्किल से कोर्ट के थ्रू इलेक्शन हो गया था, इसलिए पूरे जो वोटर्स हैं स्टेक होल्डर हैं उनमें इस बात को लेकर काफ़ी चिंता है कि इलेक्शन क्यों दोबारा पोस्टपोन हो गया। उसमें भाई चार्सो साहब को जो चाहिए था इस मौके पे जो सोचते होंगे कि हम सेनेट का इलेक्शन
कहीं भी किसी तरह से अभी अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं कर रहे हैं पोस्टपोन, हम करवा रहे हैं। जे 18 को और भी इलेक्शन हो रहे हैं और साथ में ग्रेजुएट उन कॉन्स्टिट्यूंसी में आराम से हो रहा है जहाँ पर हमें फैसिलिटी थी, जहाँ पर दिक्कत है नेक्स्ट करेंगे, ऐसा होता तो बहुत अच्छा था। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਬਰੋੜਾ ਹੋਊਗਾ, 17,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਡੇ ਸਕਾਲਰ ਆ, ਕੁਝ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 700 ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਇੰਪਲਾਈ ਆ 3,000-4,000, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖਾਟ ਖੜੀ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਉਦਣ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਦਣ ਸੀ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦਿਨ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ 118 ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਬਾ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਚੁਣ ਕੇ। ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੀ ਇਹਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਬੁੱਧ ਮੰਨ ਲਓ 18 ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੇ ਹੈਗਾ, ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਹੋ ਜੂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। पंचकुला के डिटेक्टिव स्टाफ ने मुनीम से 2 करोड़ का, जिन्होंने फर्म के साथ घपला किया था, अपने अकाउंट में डाल लिए थे, उससे 1,25,00,000 रुपए की बरामदी कर ली है। आगे की पूछताछ जारी है। पंचकुला के रायपुर रानी में एक फर्म में काम करने वाले मुनीम द्वारा हेराफेरी कर करोड़ों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर ठगी करने के मामले में डिटेक्टिव स्टाफ ने करीब 1,25,00,000 रुपए की रिकवरी कर ली है। पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ ने करीब 2 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने वाले एक मुनीम को गिरफ्तार किया था और पुलिस रिमांड के दौरान 3 लग्जरी गाड़ियों और एक प्लाट कब्जे में लिया है। पंचकुला के रायपुर रानी थाना में करोड़ों रुपए का गमन का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने बताया कि रितु सिंगला फर्म में काम करने वाले 2 मुनीम नितिन सिंगला और हर्ष सिंगला व अन्य उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ करीब 2 करोड़ रुपए के गमन का मामला दर्ज हुआ था और इस मामले में आरोपी नितिन सिंगला को गिरफ्तार किया गया था, जिसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया था और डिटेक्टिव स्टाफ ने 1,25,00,000 रुपए की रिकवरी कर ली है। और ये मामला रायपुरानी मंडी में आड़तियों के पास मुनीम था नितिन सिंगला, इसने अपने आड़तियों के साथ धोखाधड़ी करके उनके खातों से, उनकी फर्म के खातों से और उनके जो खाते थे उनसे कैश निकाल कर करीब 2 करोड़ रुपए की हेराफेरी की थी, धोखाधड़ी करी थी, जो इसने अपने व अपने परिवार को खातों में डाल लिए थे। उन पैसों से इसने 3 गाड़ियां खरीदी हैं और 3 प्लॉट खरीदे हैं और कुछ घर का सामान खरीदा, जो हमने रिकवर किया 3 गाड़ियां 3 प्लाटों के दस्तावेज हैं, जो इसी पीरियड के दौरान जो इसके खाते में पैसे गए हैं उन पैसों से ही इसने ये प्लाट खरीदे हैं। तो कितनी अमाउंट बनती है जो की रिकवरी की गई है? करीब 1,25,00,000 के करीब की है। तो गाड़ियाँ कौन सी हैं, इनकी क्या कीमत? स्कोडा की बड़ी गाड़ियाँ हैं जी, 32-32, एक 32 लाख की है, 20 लाख की है, एक 10 लाख रुपए की गाड़ी है। तो और भी कुछ रिकवर करना बाकी है इसमें? हाँ, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी। तो क्या रिमांड लिया गया इनका? हाँ जी, 7 दिन का पुलिस रिमांड लिया था, इसमें रिकवरी कर ली है, आज पेश करेंगे। आयुर्वेद के वैद्य चमकौर सिंह ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो कि कई तरह की बीमारियों में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। चमकौर सिंह का कहना है कि उन्हें यह विरासत अपने पूर्वजों से मिली है और उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट बड़ी से बड़ी बीमारी में भी काम कर सकते हैं। आयुर्वेद के जरिए विभिन्न गंभीर रोगों का इलाज कर रहे वैद्य चमकौर सिंह डॉक्टर जीडी ने नए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि लीवर और किडनी के बेहतर फंक्शन और स्वस्थ रखने के लिए बेहद अहम साबित हो रहे हैं। इसके अलावा उनकी तरफ से इम्यूनिटी बूस्टर और नशा मुक्ति सहित अन्य बीमारियों के निदान के लिए भी प्रोडक्ट पेश किए गए हैं। वैद्य चमकौर सिंह ने बताया कि उनके दादाजी वैद्य केसर सिंह अपने नुस्खों से मरीजों की बीमारियों का इलाज किया करते थे। दादा की आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज की 119 वर्ष पुरानी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया और उनके दादा और पिता यहाँ आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खों से इलाज करते थे। उन्हीं के दिशा निर्देशों के चलते हुए उन्होंने मरीजों की सुविधा के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। तो ये थी शहर में ऐसी घटनाएं जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है और यदि आप भी अपने शहर की खबर को जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।